एक प्रश्न है और वो प्रश्न जायज है। प्रश्न ये है कि हमारे देश में अथवा हमारे संसार भर में धार्मिक भावना और धार्मिक कार्य देखने में बहुत आते हैं। कितने मंदिर, कितने मस्जिद, कितने गिरजाघर, कितने गुरुद्वारे, कितने देवालय विश्व में हैं और रोज लोग उनमें जाते हैं, अपने अपने सिद्धांत के अनुसार साधना करते हैं, किंतु अपराध बढ़ते जा रहे हैं। सारी दुनिया में यहां बहुत से बूढ़े बैठे हैं, अस्सी वर्ष के भी कुछ लोग हैं जैसे मैं, और अपने जीवन में वे देख रहे हैं कि हमारे बचपन में जहां लोग, गांव के लोग इतने भोले भाले थे कि नाम मात्र को गड़बड़ी करते थे, आज हर चीज में पॉइजन मिलाया जा रहा है, दूध में, दही में, घी में, मक्खन में, मिठाई में, फल में, तरकारी में, आप सब लोग जानते हैं। हर ऑफिस में करप्शन, इतना बड़ा अंतर तो 100 वर्ष के अंदर हो गया, आगे क्या होगा। और पहले तो इतनी उपासना नहीं दिखाई पड़ती थी जितनी आज दिखाई पड़ रही है। बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, रत जगा हो रहा है, तमाम बातें अपने अपने धर्म के अनुसार हो रही हैं, फिर ये गड़बड़ी क्यों। तो जो लोग धर्म को नहीं मानते वे ये प्रश्न करते हैं, और उनका प्रश्न सही है कि भाई आप लोग धर्म का पालन क्यों करते हैं जब उसका परिणाम उल्टा दिखाई पड़ रहा है। और ये कहना कि मरने के बाद के लिए कर रहे हैं, तो मरने के बाद तो वही मिलेगा जो जीवित अवस्था में आपको मिला है, बीच में कुछ प्लस माइनस नहीं होता। जैसे परीक्षा में विद्यार्थी ने कॉपी में जो कुछ लिख दिया नंबर उसी का तो मिलेगा, कोई निरीक्षक अपनी जेब से नंबर नहीं दे देगा। अगर वर्तमान में
हमारे आइडियाज अच्छे नहीं, हमारा करैक्टर अच्छा नहीं है, तो मरने के बाद क्या विशेषता हो जाएगी? भगवान वही फल तो देंगे जो वर्तमान में हमने किया है। इस प्रश्न का उत्तर बड़ा सीधा सा है कि हम लोगों का जो गाइड है, जो मास्टर है, टीचर है, गवर्नर है, वो गलत है। हमको गलत धर्म कर्म बताया है हमारे गुरुओं ने। वर्तमान काल के जो गुरुजी लोग हैं, इन्होंने गलत बता दिया हमको। पहला पाठ क्या है धर्म का, ध्यान दीजिए, यही गड़बड़ है। पहला पाठ क्या, कर्म करने वाला कौन? अच्छा कर्म, बुरा कर्म, कोई भी कर्म करने वाला कौन है? हाथ, पैर, आंख, कान, नासिका, रसना, त्वचा, मन, कौन है? बस यही हमने गलती कर दी। हमारे गुरुजी ने सबसे पहले हमको ये नहीं बताया कि कर्म करने वाला कौन है। भगवान की भक्ति हो चाहे संसार की भक्ति हो, दो ही तो है। हमारे अतिरिक्त बस दो तत्व हैं, एक भगवान, एक माया माने संसार, तीसरी और कोई चीज नहीं है। हम जिसकी भक्ति करेंगे, अरे जो भगवान की भक्ति करेगा उसी को धर्मात्मा कहते हैं, जो संसार की भक्ति करता है वो धर्म रहित है, नास्तिक है, इत्यादि शब्द है उसके लिए। तो ये धर्म कर्म अच्छा बुरा करने वाला मन है, इसको नोट कर ले आप लोग स्वर्ण अक्षरों में, यही गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। मन मन, इंद्रियां नहीं, इंद्रियों का कर्म भगवान के यहां नोट नहीं होता। करोड़ों मर्डर करता है अर्जुन, भगवान नोट नहीं करते। हनुमान जी ने करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या कर दी, राम ने नोट नहीं किया। अरे हमारे गवर्नमेंट में भी अगर किसी कार चालक से कोई मर गया और मुकदमा चला और सब चीज सही पाई गई, लाइसेंस भी है, ड्राइवर की साइड भी ठीक थी, स्पीड भी ठीक थी, गाड़ी भी ठीक थी, आके सामने लेट गया और मर गया, तो कोई जज 10 रुपया भी फाइन नहीं कर सकता। ड्राइवर की गलती नहीं है, यानी इंद्रियों के कर्म को नोट नहीं किया, क्योंकि मंशा नहीं थी ड्राइवर की कि ये मर जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए।
दंगा हो रहा है शहर में, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया पुलिस को चला दो गोली, पुलिस ने चला दिया गोली, 100 आदमी मर गए। कोर्ट ने पूछा किसने गोली चलाई, पुलिस वाले कहते हैं मैंने चलाई, तुमको फांसी होना चाहिए। नहीं, क्यों? मजिस्ट्रेट साहब से पूछिए उन्होंने क्यों ऑर्डर किया। मजिस्ट्रेट से पूछा गया, उन्होंने कहा साहब अगर मैं ऑर्डर न करता तो अभी तो 100 ही मरे हैं, 1000 मर जाते, किसी को सजा नहीं होगी। अरे आप लोग 1 अप्रैल को मजाक करते हैं, अगर उस मजाक का कोई मुकदमा दायर करे और कोर्ट में वो बयान दे कि अरे साहब वो 1 अप्रैल थी, हमने मजाक किया था, अच्छा 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 बात खत्म। क्योंकि मन की मंशा नहीं थी, मन की मंशा वाला कर्म कर्म होता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट और हमारे मजिस्ट्रेट और हमारे मनुष्य अल्पज्ञ हैं, वो गवाही ववाही से फैसला करते रहते हैं। अगर सर्वज्ञ हो हर एक मजिस्ट्रेट तो जितनी सजाएं हो रही हैं इसकी आधी भी नो, तमाम बेगुनाह सजा पाते हैं। 4 गवाह खड़े हो गए नकली, कोर्ट ने कहा भाई अब तो हमको मानना पड़ेगा, 4 आदमी कह रहे हैं। तो मन ही बंधन मोक्ष का कारण है। हम सब जो पूजा पाठ करते हैं मन से नहीं करते, रसना से पाठ, गीता भागवत रामायण अनेक प्रकार के अपने अपने धर्म ग्रंथ पाठ करते हैं, पाठ अक्षर का पाठ, सुंदरकांड का पाठ करो तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अरे उसमें जो लिखा है वो करो। जप करते हैं, ये तो हाथ का वर्क है जप, मन कहां? गंगा नहाते हैं, नहाते समय भी मन कहां है? वो नहा रहा है, वो नाव जा रही है, वो नहा रही है, वो हमारा पर्स कहीं पंडा पार न कर दे। अरे तुम गंगा जी में नहा रहे हो ना, तो गंगा जी कौन है जानते हो? यही पानी, ये पानी गंगा जी, ये तुम्हारी नॉलेज है। गंगा पर्सनैलिटी कौन है अपने गुरु जी से पूछो पहले, फिर उनका मन में आवाहन करो, फिर डुबकी लगाओ। एक बात बताओ, अगर कोई शीशी में गंदी चीज भर दे, यूरिन वगैरह, और पैक कर दे, हाँ, फिर गंगा जी में डाल दे, 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे, हाँ, शीशी निकालो, पैकिंग खोलो, हाँ, आचमन करोगे? अरे ऐसे कैसे करेंगे वो गंदी चीज का। और अगर वो गंगा जी में मिल जाए, अरे तो रोज करते हैं लोग, 1000 गंदगी मिलती है गोमुख से लेकर बंगाल की खाड़ी तक। इसी प्रकार आपका शरीर गंगा जी में डूबा है, मन नहीं डूबा, और गंदगी तो मन की साफ करना है आपको, क्योंकि आइडियाज तो मन से पैदा होते हैं, आंख
कान नाक से नहीं होते। कोई भी कर्म जो आप करेंगे पहले मन से सोचेंगे, वही तो करता है। तो हमारी सारी भक्ति इंद्रियों की होती है, जजमेंट। पूजा हो रही है, चारों धाम की मार्चिंग हो रही है, रुपए वाले हैं जहाज में बैठे, ओ पहुंचे बद्रीनारायण, ओ गए रामेश्वरम, 10 दिन में चारों धाम हो गया, अब तो वैकुंठ मिल जाएगा, 420 किए जाओ। ये सब बाहरी क्रियाओं को भगवान नोट ही नहीं करता। जैसे जीरो में आपने 1 लाख से गुणा किया, जजमेंट क्या हुआ? जीरो। अजी 1 लाख बार गुणा किया है, अरे 1 करोड़ बार करो, किससे किया है? मन कहां था? 1 बार मथुरा में भंगेड़ी होते हैं, आज भी हैं, नशा करते हैं, तो खूब भांग पी लिया, शिवरात्रि को सब नशे में हो गए, और उन्होंने कहा अरे चले हम लोग प्रयाग नहाए आवे। दूसरे ने कहा 10-12 भंगेड़ी। उनने कहा कैसे चले? उनने कहा नाव तो खड़ी है, मथुरा में इसी यमुना जी के नाव में बैठ जाए, ये जहां मिलेगी गंगा जी से उसी का नाम प्रयाग, किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा। सब बैठ गए, बड़े बड़े पहलवान, सारी रात नाव खेते रहे बारी बारी से। सवेरा हुआ और कुछ नशा भी उतरा, तो आपस में कहने लगे क्यों हो, ये तो प्रयाग के घाट मथुरा के घाट की तरह है, जैसे अपने मथुरा में घाट थे ऐसे ही घाट यहां के भी है। तो कुछ लोग नहा रहे थे वहां, उन्होंने कहा है आप लोग क्या बोल रहे हैं? कहें भैया ये प्रयाग के घाट है। अरे प्रयाग नहीं है भैया, ये तो मथुरा है। मथुरा? ये कैसे हो सकता है, सारी रात नाव चलाया है हमने। अरे तो नाव बंधी है, देखा वो, देखो नाव बंधी है खूंटे में, अब आप चलाए जा रहे हैं। ऐसे ही मन संसार में अटैच्ड है, मां बाप बेटा स्त्री पति नाती पोते तक, और रसना से कह रहे हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें, हे भगवान तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे बाप हो। अरे भगवान को भी धोखा देते हो, और जानते हो सर्वांतरयामी है, अंदर बैठा है। हाँ जानते, अरे हमारी इंडिया के तो गधे भी जानते हैं, घट घट व्यापक राम। राम नाम सत्य है सब बोलते, आप बोलते तो हैं, लेकिन अगर वो मुर्दा रास्ते में कहीं उठ के बैठ जाए, जिसको श्मशान ले जा रहे थे, तो बाप क्या कहेगा? हे चुप चुप। अरे भैया क्यों चुप कराते हो, राम नाम सत्य बोल रहे हैं हम लोग। अरे दिखता नहीं, बैठ गया बेटा।
अरे तो जो और भी खुशी की बात है, राम नाम सत्य की कृपा से बैठ गया, अरे नहीं फिर मर जाएगा। राम नाम सत्य नहीं बोलना चाहिए हर समय, ये तो मरने के बाद ही बोला जाता है मजबूरी में। ये हम लोगों की नॉलेज है भगवान के प्रति। तो जितना भी करप्शन विश्व में हो रहा है सब इसलिए कि मन को पवित्र करने की उपासना नहीं के बराबर है। कोई भगवान का ध्यान करते ही नहीं, कोई पूजा कोई पाठ होता है हिंदुओं के यहां तो पहला मंत्र बोला जाता है, हाथ में पानी लो, पानी लिया, ऊपर छिड़को, छिड़क रहे हैं, और वो मंत्र बोल रहे हैं पंडित जी, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाय स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। ये पद्म पुराण का मंत्र है। इस मंत्र का मतलब है चाहे अपवित्र हो तुम, हजार गंदगी लपेटे हो, हजार दिन से नहाए नहीं हो, और चाहे गंगा नहा के आए हो, किसी भी अवस्था में हो, अगर श्री कृष्ण का स्मरण कर लो मन से तो भीतर बाहर दोनों शुद्ध हो जाए। लेकिन पंडित जी भी शायद नहीं जानते इस श्लोक का मतलब, या जानते हैं तो उनको अपनी है दक्षिणा की पड़ी है, वो इसका मतलब समझावे यजमान को तो कितना टाइम खराब होगा। वो कहना आगे चलो, और उसको बेचारे को पता ही नहीं इस सब वाक्य का मतलब क्या है, भगवान का ध्यान कौन करे। तो मन को शुद्ध करना है, कंक्लूजन सारांश समझो मन को, मन को। तो भक्ति चाहे भगवान की करो चाहे संसार की, मन का राग वही कहलाएगा जहां अटैचमेंट होगा। वैराग्य माने मन का संसार से हटना। लेकिन हम क्या समझते हैं वैराग्य माने, देखो वो बाबा जी जंगल में रहते हैं, कपड़ा नहीं पहनते, हाँ फल खाते और कुछ नहीं खाते, किसी से बात नहीं करते, लेकिन मन से संसार का चिंतन करते हैं। वो हम जानते ही नहीं, हम उनको भगवान का बाप मानते हैं, चरणों में जाके गिरते हैं। ये सब हमारे अज्ञान का कारण है। वैराग्य माने मन का अटैचमेंट न हो। ये खाली भारत नहीं, सारी दुनिया के राजा थे अनंत महापुरुष सतयुग से, प्रहलाद हैं, 30,67,20,000 वर्ष तक राज्य किया प्रहलाद ने, ध्रुव ने, अम्बरीश ने, सब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब वशिष्ठ विश्वामित्र भरद्वाज गृहस्थी थे। अरे गोपियां जिनकी चरण धूल ब्रह्मा शंकर चाहते हैं सब गृहस्थी थी। लेकिन हम उनको देखेंगे
तो कहेंगे ये बिचारी और ये जो जंगल में बाबा जी 420 करने को पेड़ के नीचे बैठ गए हैं, ये सिद्ध बाबा। यानी हम जानते ही नहीं संसार का राग क्या है, भगवान का राग क्या है। मन मेन है, जितनी देर आपका मन भगवान में लगे बस उतनी उपासना आपकी सही है, बाकी सब एक्टिंग, और एक्टिंग का कोई फल नहीं हुआ करता। संसार में भी अगर मालूम हो जाए कि ये एक्टिंग कर रहा है हमारे साथ, तो लोग दुश्मनी कर लेते हैं उससे। हम करते हैं दिन रात एक्टिंग, अरे एक आदमी आ गया बड़ा खतरनाक आदमी है घर में, अरे भाई इनको चाय पिलाओ, काफी पिलाओ, ये करो वो करो, अरे नहीं करेंगे, ये गुंडा है हमारी आफत कर देगा, डर के मारे। या अरे इसको ये सम्मान कर दो, 100 रुपया खर्च कर दो, फिर 2000 का काम करवा लेंगे इससे, बहुत बड़ा सेठ है ये, बहुत बड़ा डॉक्टर है ये, बहुत बड़ा वकील है। दिन भर हम लोग एक्टिंग करते हैं, यही धंधा है हमारा। देखो सब जीव दुखी हैं अपने घर में, मां से, बाप से, भाई से, बीबी से, पति से, बेटे से, दिन रात टेंशन, लड़ाई झगड़ा, बवाल। लेकिन किसी ने किसी से पूछा, हेलो मिस्टर साहब, श्रीवास्तव जी क्या हाल है, हाउ आर यू, तो हम जवाब देते हैं ऑल राइट। अरे एक भी राइट नहीं है, ऑल रॉन्ग है, झूठ बोलता है, ऑल राइट। शरीर का रोग अलग सबको परेशान किए है, मन का रोग तो और भयानक है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य निरे रोग। अपना दुख तो अलग है, आज मम्मी बीमार है, आज बीबी बीमार है, आज बेटे का एक्सीडेंट हो गया, आज जीजा का ये हो गया, वो दुख अलग है, कह रहा है ऑल राइट, बस एक्टिंग करते रहते हैं, और वही एक्टिंग हम भगवान के साथ भी करना चाहते हैं। संसार में तो एक्टिंग काम कर जाती है, ऐसा बेवकूफ बन जाते हैं, लेकिन भगवान के यहां तो छोड़ दो, वो तो भीतर बैठा, जब आपने सोचा उसने नोट किया, आपने जो सोचा वही नोट करता है भीतर बैठकर। अब आप कृपा चाहते हैं भगवान की, बड़ा दयालु है, हे भगवान कृपा करो, तुम धोखा दो वो कृपा करे। रोकर पुकारना होगा तब सुनेगा वो, चतुराई नहीं पंडिताई नहीं काम देगी वहां। तुम खरबपति हो, तुम जगतगुरु के बाप हो, ये सब वहां नहीं चलेगा। रो कर उनसे उनका प्रेम मांगना होगा। अब ध्यान दीजिए यहीं पर, ये हमारे यहां जो उपासना होती है तो 99% लोग पहाड़ों पर जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं। क्यों गए थे जी तुम उस पहाड़ पर, वैष्णो देवी और वहां तिरुपति मंदिर,
तुम्हारे बगल में तो मंदिर है। अरे वहां के भगवान बड़े चमत्कारी हैं, वहां के हनुमान जी बड़े चमत्कारी हैं। यानी कोई भगवान दो कौड़ी के भी होते हैं। कहां लिखा है? तुम्हारे शास्त्रों में तो लिखा है प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना। जैसे तिल में तेल, जैसे दूध में घी, जैसे लकड़ी में आग, ऐसे वो सर्वव्यापक है। यहां के मंदिर में और वहां के मंदिर में और साक्षात दो लोक वैकुंठ लोक में अंतर क्या? लेकिन हमारी बुद्धि यह भी नहीं समझती है, भगवान के भी सही बटा कर रही है। वहां के भगवान 100%, हमारे बगल वाले 20%, और तुम्हारे बगल वाले मंदिर के भगवान 10%। अरे भगवान में भी तुम 420 कर रहे हो। अरे तुम्हारे हृदय में वही भगवान है जो गोलोक में है। भगवान दो चार नहीं होता, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, अंग्रेज हो, एक ही भगवान तो है। उसका नाम तुम कुछ रख दो। हमारे भगवान के तो अनंत नाम है, वो सब शास्त्र वेद कह रहे हैं। अरे भगवान का नाम जो लिखा है वो छोड़ो, अपने मन से बना लो। का खा ये भी भगवान का नाम है। वेद कहता है कम ब्रह्म कम ब्रह्म। अरे यशोदा ने कभी श्री कृष्ण कहा, ए कनुआ इधर आ। कनुआ? एक कनुआ कौन सा शास्त्र वेद में लिखा है? अरे वो कृष्ण शब्द है ना, उसी का कनुआ बना दिया मैया ने, और उनके इशारे पर नाचता है भगवान, क्योंकि उनके मन में अनंत प्रेम है। मन में इंद्रियों में नहीं। गोपियां देखो नचाती थी छाछ पर, दूध भी नहीं छाछ, मक्खन माइनस। और ठाकुर जी नाचते थे, कितने गंदे शब्दों में पुकारती थी। ठाकुर जी चल रहे हैं पीछे पीछे, कहाँ चला रहा है लफंगा लफंगा, चोर जार शिखामणि शास्त्र में लिखा है, चोरों के नेता, जारों के नेता। और ठाकुर जी विभोर हो रहे हैं, उनको नाम से मतलब नहीं है, रूप से मतलब नहीं है। जो आपको अच्छा लगे, हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, पंजाबी में, वो बोलो, लेकिन मन से प्यार होना चाहिए। जैसे डूबता हुआ आदमी अपने प्रिय को बुलाता है, मरता हुआ आदमी कहता है अरे जरा बिटिया को बुला दो आखिरी बार देख लूं। ऐसे ही सोचो आप लोग स्वयं। आप लोगों में से 90% लोग खाना खाते समय भगवान को बुलाते हो। अरे बुलाने का मतलब ऐसे थोड़ा सा पानी डाल लिया,
या नहीं डाला, आंख मूंद लिया, कोई हाथ जोड़ लेता है। और मंदिरों में तो बड़े नाटक होते। लेकिन मैं पूछता हूं कि ऐसा कोई आदमी आपको मिला, पुजारी हो महात्मा हो, कि जो भोग लगाने के बाद जब आंख खोलता है तो देखे कहां खाया है भगवान ने, है? कहीं नहीं खाया। और फील करे, आंसू बहावे, हाय कहीं नहीं खाया, मैं इतना बड़ा पापी हूं। अरे आपका बेटा न खाए, बाप न खाए, पति न खाए, तो आपको फीलिंग होती है, आप कहते हैं हम भी नहीं खाएंगे। अरे वो बिना खाए चले गए, हम भी नहीं खाएंगे। ओ भगवान ने कहीं नहीं खाया, वाह जरा सी धक्का नहीं लगा, जरा सा भी। क्यों? अरे भगवान खाते थोड़े ही हैं, ये पक्का मालूम है, ये फेथ है, तो फिर ये एक्टिंग क्यों करते हो? हमारे बाप भी करते थे, हम भी करते हैं। मंदिरों में भी होता है, इसलिए हम भी करते हैं। अरे नहीं, पहले सतयुग वगैरह में तो बाकायदा भगवान का स्मरण करके ये भावना बनाते थे, भावना भावग्राह्य मनीडाख्यम वेद कहता है। तो संसार में जो भी गड़बड़ी दिख रही है, इसका कारण एक है कि हमने भगवान की उपासना मन से करने की बात ही नहीं समझी। हम इंद्रियों से भक्ति करते हैं, तमाम टाइम खराब करते हैं। 2 घंटे आप 4 घंटे भक्ति करते हैं, अरे पूछो कितने आंसू बहाए भगवान के पाने के लिए। आंसू 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 हम नहीं बात। हाँ संसार के लिए बहाए। आज क्यों रो रहे हो भाई? अरे वो बिटिया चली गई ससुराल। अरे रुपया दे करके लड़का ढूंढ के तो तुमने बिटिया दान किया, रोते भी हो? अरे तुम्ही ने तो उसको घर से निकाला है। हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन मन नहीं मानता। यहाँ मन का अटैचमेंट है, ऐसे ही अटैचमेंट भगवान से करना पड़ेगा। कामिनारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, ऐसे प्यार हो भगवान से, उनके बिना रहा न जाए, तब तुम्हारी सुनेंगे वो। और फिर भी संसार न मांगना उनसे, जितना संसार आएगा उतने भगवान से दूर हो जाओगे। नहीं को अस जन्मा जग माही प्रभुता पाही जाही मद नाही। कोई पैदा नहीं हुआ ऐसा है। ये कौन है? ये दुनिया की सबसे बड़ी गवैया है। अच्छा अच्छा ये कौन है? विश्व सुंदरी है। ये कौन है? सबसे बड़ा पहलवान है। ये कौन है? पीएम है। अब वो भगवान के आगे सिर झुकावे, माने मन झुकावे, इम्पॉसिबल। ईसा मसीह ने कहा है बाइबल में कि सुई के नोक से ऊंटों का काफिला भले ही चला जाए, लेकिन संसारी बड़ी संपत्ति वाला
भगवान की ओर चले इम्पॉसिबल। हाँ सब सर झुकाते हैं हमको, असिस्टेंट भगवान हो गए। तो संसार न मांगो, तुमने जैसा पूर्व जन्म में कर्म किया है वैसा संसार बिना मांगे मिलेगा। अंगूठा छाप अरबपति होते हैं, सैकड़ों को हम जानते हैं, उनके घरों में रहे हैं, और बड़े बड़े बुद्धिमान व्यापार करते करते मर गए, दिवालिया हो गए और हार्ट फेल हो गया। तुम अपने को भगवान से आगे मानते हो, कर्म की थ्योरी नहीं मानते। पूर्व जन्म में दान किया था, इस जन्म में पैसा मिल जाएगा। पूर्व जन्म में दान नहीं किया, सवेरे से रात तक कमा के मर जाओ, टेंशन टेंशन मिलेगा। आया भी हो चला गया रुपया, ये लो। अच्छे खासे हट्टे कट्टे थे, कैंसर हो गया, ये लो। प्रारब्ध का भोग सबको भोगना पड़ता है। ये नहीं चलेगा कि पंडित जी को बुला करके और मृत्युंजय का जाप करा दो और बेटा बच जाए, न मरे। अरे जिनके मामा साक्षात भगवान श्री कृष्ण और बाप अर्जुन गीता ज्ञानी महापुरुष, और ब्याह कराने वाले वेद व्यास भगवान के अवतार, तीन तीन सुप्रीम पावर, और उत्तरा विधवा हो गई, अभिमन्यु मारा गया, और सब बैठ के शोक मना रहे हैं। अरे बचा लो ना श्री कृष्ण, तुम्हारे लिए क्या बड़ी बात है बचाना किसी को। भाई देखो मैं इस मामले में दखल नहीं देता, उसका समय हो गया, जाना होगा। कोई हो सिद्ध महापुरुष हो, चाहे जो हो, जाना होगा। जगतगुरु शंकराचार्य 32 साल की उम्र में चले गए, उनसे पूछे अरे तुम तो मृत्यु को जीते हुए हो, रहो संसार का कल्याण करो ना, जितने दिन का ऑर्डर है स्पिरिचुअल गवर्नमेंट का, बस उनके आज्ञा के खिलाफ महापुरुष भी नहीं चलते। फिर संसारी आदमी तो कैदी है, अपराधी है, वो बेचारा क्या चैलेंज करे कि हम पंडित जी को बुला के और जाप करा के और बच्चे को मरने नहीं देंगे। बड़े भोले भाले लोग हैं। जब मुसीबत आई तो हे भगवान, हे देवी जी, हे हनुमान जी, मुसीबत टल गई। तो मन ही कारण है, अगर मन को शुद्ध करोगे तो संसार में सब सत्कर्मी हो जाएंगे, किसी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं होगी। जो इतिहास में सतयुग में आप पढ़ते हैं कि लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे, वो अवस्था हो जाएगी। और अगर मन में भगवान को नहीं लाया, संसार भरा है, वासनाएं भरी हैं, संसार में सुख है, ये डिसीजन है, तो इतना ही नहीं, इससे हजार गुना आगे करप्शन होगा, आप देख नहीं सकेंगे। एक से एक तरकीबें निकाल के लोग एक दूसरे को ठगेंगे। अतएव मन को भगवान में लगाना है। शेष फिर
जुगल सरकार की।